एक दिन श्री राधा जी एकांत में महाभाव में निमग्न होकर बैठी थी। एक श्री कृष्ण प्रेम अभिलाषी सखी ने आकर बड़ी ही निम्रता से उनसे प्रियतम श्री कृष्ण का विशुद्ध अनन्य प्रेम प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन पूछा। सखी बोली, हे राधा प्यारी, कृष्ण का विशुद्ध अनन्य प्रेम प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? बस श्री कृष्ण प्रेम के साधन का नाम सुनते ही श्री राधिका जी के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली और वे रोती हुई बोली, हे सखी, मैं क्या साधन बताऊँ, मेरे पास तो कुछ और है ही नहीं। मेरे तन मन प्राण धन जन कुल घर सील मान अभिमान सभी कुछ एकमात्र वे श्याम सुंदर ही हैं। इस राधा के पास अश्रु जल को छोड़कर और कोई धन है ही नहीं, जिनके बदले उन प्रेम धन स्वयं नीलकांत मणि को प्राप्त किया जाए। सखी, तुम यह निश्चित परम सार का सार समझो। अमूल्य श्याम प्रेम का मूल्य केवल पवित्र आंसुओं की धार है। सब कुछ उन्हीं को समर्पण करो। सब कुछ उन्हीं को समझकर उन्हीं के प्रेम से उन्हीं के लिए जो निरंतर प्रेम अश्रुओं की धारा बहाती हैं, वह पवित्र अश्रु जल ही उनके प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। बस यही उनके साधन का स्वरूप है। निश्चल हृदय वाली श्री राधा रानी श्री कृष्ण भक्ति की अविरल धारा है। यही कारण है कि जहाँ श्री राधा हैं वहीं श्री कृष्ण, जहाँ श्री कृष्ण हैं वहीं राधा। श्री राधा के असीम महिमामय तत्व और स्वरूप की श्री कृष्ण प्रेम और विरह की व्याख्या साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। बस यही कहा जा सकता है कि श्री राधा जगत जननी महाशक्ति एवं महामाया है। वे शक्तिमान श्री कृष्ण की शक्ति हैं, श्री कृष्ण की आत्मा हैं। श्री राधा सबकी आराध्या हैं, वे अचिंत हैं। उनकी दुर्जेय महिमा को बस एकमात्र श्री कृष्ण ही समझते हैं। और कोई समझे तो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद कुमार हमारे ठकुराइन वृष भानु ललि। जय श्री कृष्ण।